जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के एट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसमें प्रश्नावली शुरू करें, इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हमें जानना है। तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिल करके बना है, एक होता है त्रिकोण और दूसरा है मिति। तो त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोणों का मापन। तो अब त्रिभुज में अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें तीन भुजाएं हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सामान्यतया समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है। और देखें, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। अगर इसको हम ए, इसको बी और इसको हम सी ले लें तो देखें, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है और समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो यहाँ पर यह कोण 90 अंश होगा। अब जरा कुछ बातें जो जानने लायक हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको साल्ट में हम यच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सुनिए, जिस कोण को हम लेते हैं, सपोज कीजिए कोण ए को हम ले रहे हैं, तो जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी ये हो जाएगा लंब। इसको लंब कहते हैं, लंब की अंग्रेजी परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब तीसरी भुजा जो रह जाती है, इस तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं और आधार की अंग्रेजी बेस होती है, इसलिए इसको हम बी से प्रदर्शित किया करते हैं। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो आधार और लंब चेंज होता है। अगर हम कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और सपोज कीजिए अगर हम कोण सी लेते तो कोण सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। मतलब लंब और आधार दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो आपको जाननी है, अब उसमें आता है साइन। जैसे मान लीजिए, तो नॉर्मली साइन को SINE लिखते हैं, साइन। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोण ए लिया गया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं SIN, केवल लिखते हैं, ई को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए। और इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। यानी आप यहाँ लंब देख रहे हैं, लंब है BC और बटा में कर्ण है AC, तो ये साइन ए होता है। अब देखें, दूसरा जो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन। लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ इसको जब साल्ट में लिखा जाता है तो यहाँ से INE हटा लेते हैं, कॉस कहते हैं, कॉस। और अगर कॉस ए हो तो कॉस ए बराबर हो जाता है आधार बटा में कर्ण। ये आधार और बटा में हो जाएगा कर्ण। तो देखें, आधार आधार है AB,
और कर्ण है एसी, और फिर आता है टेनजेंट। तो टेनजेंट क्या होता है देखें, टेनजेंट। तो अब जो है टेनजेंट को भी जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो जेंट हटा देते हैं, केवल टेन लिखते हैं। और अगर टेन ए लिखना हो तो टेन के लिए फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो ये हो गया लंब और बटा में हो गया आधार। तो लंब देखिए, लंब क्या है, लंब है बी सी और बटा में आधार है ए बी। तो ये मेन चीज़ें इतनी हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि साइन, साइन बराबर क्या होता है, कास बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है। अब साइन का हम रिवर्स करते हैं तो देखें, साइन का जो रिवर्स होता है यह कोसेकेंट होता है। तो कोसेकेंट को ये देखें, कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो यहाँ से सी ए एन टी हटा देते हैं तो ये हो जाता है कोसेक, कोसेक ई एन टी हटा देते हैं तो कोसेक हो जाता है। तो कोसेक ए जो होता है यह वन अपान साइन ए के इक्वल होता है, याद रखे रहिएगा। कोसेक ए इज इक्वल टू वन अपान साइन ए। इसी तरह से कास का जो रिवर्स होता है वह सेकेंट होता है, सेकेंट ये जो है सेकेंट होता है। लेकिन इसको भी जब हम लिखते हैं तो साल्ट में लिखते हैं, यहाँ पर ए एन टी हटा देते हैं, सेक ए होता है। और सेक ए जो होता है वो वन अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। इसी तरह से आता है टैन ए, टैन ए का जो अपोजिट होता है वो कोटेंजेंट होता है, और कोटेंजेंट को हम लिखा करते हैं कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है वन अपान टैन ए। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन ए में अगर हम कास ए से भाग दे देंगे तो यह टैन ए के बराबर होता है। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स कर दें तो कॉट हो जाता है, यानी कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है। तो अभी आपको ये जितने फार्मूले बताए गए, इन सभी फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं, और 8.1 में एक क्वेश्चन बताएंगे। ये पूरा फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, ये पूरा याद रहेगा तभी पूरी त्रिकोणमिति आपकी तैयार हो पाएगी। और हम आपको बता दें, टेंथ में थोड़ा सा त्रिकोणमिति है, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो अब इसके बाद जब आप आगे जाएंगे, इंटरमीडिएट बीएससी वगैरह में जाएंगे, तो आगे बढ़ करके ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार होना चाहिए आपका। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1, और 8.1 का हम एक सवाल बता रहे हैं। ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। देखें ये जो फिगर बना हुआ है इसी में कोण बी को दिया हुआ है समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश। और फिर दिया हुआ है एबी बराबर, ये देखिए एबी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में आपसे कहा जा रहा है साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये तो फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है,
सेकेंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, फिर कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चले देखें इन सब मानों को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें, देखिए समकोण त्रिभुज में हमको आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो कर्ण भी मालूम होना चाहिए। जब तक कर्ण नहीं मालूम होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण है एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हो जाएगा एबी, एबी का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा बीसी, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखें एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी, एबी की वैल्यू है 24, तो 24 का हम स्क्वायर कर देंगे, और बीसी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखें कि ये वैल्यू क्या मिल रही है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 24 का वर्ग कर दें 576 हो जाएगा, और 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर बराबर 576 में हम 49 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625, और एसी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी करणी में हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको मालूम हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण 20 समकोण है, इसका आधार हमको मालूम हो गया 24 सेंटीमीटर, और इसका लंब मालूम हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में साइन ए निकालना है, याद रखे रहिएगा साइन ए का मतलब कोण ए लेना है। तो जब कोण ए होगा तो कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, और कर्ण तो कन्फर्म है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा पी, और बटा में कर्ण हो जाएगा एच, तो पी की वैल्यू, और या नहीं तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो देखें लंब है बी सी और बटा में कर्ण है ए सी, तो BC की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 दिया हुआ है, और AC की वैल्यू हमने निकाला है 25। तो यहाँ पर हम लोगों को साइन A की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos बराबर अभी हमने आधार बटा कर्ण बताया है, तो आधार है AB और कर्ण यहाँ देख रहे हैं AC, तो AB की वैल्यू है 24 और AC की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 25। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट में साइन A और कॉस A का मान पूछा जा रहा था, साइन A और कॉस A का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए साइन C कह रहा है, इसका मतलब यहाँ कोण C लेना, आप जरा देखिए जब कोण C लेंगे तो जो आधार है वो चेंज हो जाएगा। जब कोण सी लिया जाएगा तो ध्यानपूर्वक देखें, कोण सी के लिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये हो जाएगा लंब और अब ये हो जाएगा आधार, तो अब आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हमने बताया कि जब कोण बदलता है तो केवल लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकालते हैं तो साइन सी वही लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी, तो AB की वैल्यू है 24 और कर्ण की वैल्यू है 25। तो इस प्रकार यहाँ से साइन C की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसके बाद अगर हम कॉस C की वैल्यू निकालें
तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आधार हो गया है बीसी और कर्ण हो गया है एसी, तो बीसी की जो वैल्यू है 7 है और कर्ण की वैल्यू है 25। तो ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया, यानी इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। ये फर्स्ट पार्ट था और यहाँ सेकंड पार्ट आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप जितने फार्मूले बताए गए हैं उन पूरे फार्मूलों को अच्छी तरह से तैयार रखिए, और जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया है आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियो बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बात बताई गई है वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप बतावें ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।